हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज हम लोग आए हैं भोपाल में एक और झांकी देखने के लिए, और ये भोपाल के 10 नंबर बोला जाता है इस जगह को। और यहाँ पे हम लोग झांकी देखने आए हैं। ये झांकी भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बना है। इसमें करीब 60 लाख रुपये खर्चा करा गया है। और ये है डिज्नीलैंड झांकी, जो कार्टून में रहते आप लोगों ने देखा होगा डिज्नीलैंड नाम के, तो उसी के ऊपर थीम करके ये झांकी बनवाया गया है। तो आप लोग देखिए, अभी हम लोग चलते हैं अंदर। और आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लाइन लगे हैं जनता के। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जाके जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगे हैं। तो इसलिए हम लोग वो जगह में जा रहे हैं जहाँ से हम लोगों को VIP पास मिल जाएंगे, और VIP पास के द्वारा, टिकट के द्वारा हम लोग अंदर जा पाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम लोग VIP टिकट ले लिए, और VIP टिकट ले कर हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग टिकट करके ये VIP वाले लाइन में लग चुके हैं, और यहाँ से हम लोगों को अंदर एंट्री करना पड़ेंगे। ज़्यादा देर खड़े तो नहीं होना पड़ा, छोटा सा ही लाइन था, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो बिट्टल मार्केट में बहुत टाइम लगे थे, इतना टाइम यहाँ पे नहीं लगा। तो सामने ही आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा जाने के बाद ही हम लोगों को झांकी और माता जी की मूर्ति देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप लोग भी देखिए यहाँ की झांकी कैसा लग रहा है, यहाँ की डेकोरेशन कैसा लग रहा है। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग लाइन से थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे देखिए, कार्टून के ऊपर बहुत सारे चित्र, बहुत सारे डेकोरेशन यहाँ पे बनवाया गया है, क्योंकि ये डिज्नीलैंड कार्टून के ऊपर ये बनाया गया है थीम करके। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम लोग आ गए बिल्कुल झांकी के सामने, जहाँ पे मंडप बनाया गया है, और डिज्नीलैंड कार्टून के ऊपर से ये थीम बनाया है। तो आप लोग देखिए ये थीम कैसा लग रहा है। यहाँ पे भी आप लोगों को कार्टून में बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो डेकोरेशन करा गया है, और उसके सामने खड़े होकर हम लोग ये मिकी माउस के साथ थोड़ा सा फ़ोटो खींच रहे हैं। तो आप लोग देखिए हमको कैसा लग रहा है यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम लोग मंडप के सामने भी खड़े होके थोड़ा सा फोटो ले रहे हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाइट से यहाँ से सजाया गया है ये मंडप को, झांकी को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी देखिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आप देखिए, यहाँ से हम लोग ये झांकी के अंदर प्रवेश करेंगे, और यहाँ पे कार्टून के बहुत सारे चित्र भी बनाया गया है। और यहाँ से जो प्रवेश करने का अंदर का जो रास्ता है, तो कितना अच्छा से यहाँ पे डेकोरेशन करके सजाया गया है, फूल पत्ते, और बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेशन करके, लाइटिंग करके इस जगह को सजाया गया है। देखिए हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, और कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सामने आप लोगों को बहुत ही सुंदर डेकोरेशन और बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेंगे। तो चलते रहिए और देखते रहिए, हम लोग अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंदर आप लोग देख पा रहे हो पंडाल कितना अच्छे से सजा हो गया है। और आप लोगों को बहुत ही सामने से लेके चलती हूँ, और आप लोगों को दुर्गा जी के दर्शन करवाती हूँ। तो आप लोग जरूर देखिएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये देखिए हमारे दुर्गा जी, जो भोपाल की 10 नंबर की। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को ये दुर्गा जी कैसी लगी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दुर्गा जी कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सजाया गया है, दुर्गा प्रतिमा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो अंदर पंडाल को लाइटिंग से बहुत अच्छे से सजाया गया है, काफ़ी बड़ा है ये एरिया, और यहाँ पे फूलों से भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन करा है। ये आप लोग देखिए, अभी हम लोग
दर्शन करके बाहर की तरफ चलेंगे, तो आप लोग भी देखते रहिए और बने। हम लोग भी यहाँ पे देखिए माता जी के सामने थोड़ा सा फोटो ले रहा है, तो आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है। हमें तो ये दुर्गा जी बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बने रहिए आगे और देखते रहिए। अच्छे से देखने के बाद और दुर्गा जी को दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से बाहर जाने की रास्ता है। और बाहर जाते से ही आप लोगों को बड़ा सा मेला देखने को मिलेंगे, बहुत ही बड़ा मेला है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की दुकान भी लगे हैं, तो हम लोग मेला में थोड़ा सा घूम के फिर बाहर की तरफ चलेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए और देखते। तो देखिए हम लोग मेला भी घूम लिए, मेला घूम के अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ये रोड से हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे। और जाते जाते हम लोगों को थोड़ा सा फुल्की खाने की इच्छा हुआ, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा फुल्की भी खा रहे हैं। फुल्की खा के फिर हम लोग हमारे गाड़ी जहाँ पार्किंग लगी है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो आप लोग भी बने रहिए और देखिए। इसे हमने फुल्की खा ली, और फुल्की खा के हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आ गए। ये शर्मा विष्णु रेस्टोरेंट पे, यहीं से हम लोग आज के हमारे रात के डिनर करेंगे। डिनर करके फिर हमारे घर पहुँचेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। हम लोग देखिए रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गए, बहुत ही अच्छा बहुत बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ के खाना भी हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर भोपाल आते तो यहीं पे डिनर करते, खाना खाते। तो हमारे डिनर भी आ चुके हैं, हम लोग हमारे डिनर करते। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को ये भोपाल की झांकी कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल अनुतमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से और भी सुंदर सुंदर वीडियो लेके, जो कि दुर्गा जी के ऊपर बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय दुर्गा माता की जय।